गाइज, आज मैं आपको फिर से दो लूट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट लूट होगा। उसमें आप लोगों को इंस्टेंट के इंस्टेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट आपके पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर 10+10 रुपी का क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि आपको इस वीडियो को देखना है। उसके बाद इंस्टेंट के इंस्टेंट आपके पेटीएम वॉलेट में 10 रुपी क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड जो सेकेंड लूट होगा, उससे आप लोग अनलिमिटेड बार यहाँ पर 100+100 की लूट करने वाले हो, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये भी इंस्टेंट ही पेटीएम जो भी है, इसका रिडीम भी इंस्टेंट है, जो कि उस एप्लीकेशन जो भी बैंक वॉलेट का एप्लीकेशन है उससे भी और भी बढ़िया बना देती है। तो चलिए, बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेटीएम अर्निंग एप्लीकेशन की ओर, सॉरी पेटीएम अर्निंग लूट की ओर, उसके बाद हम चलेंगे बैंक अर्निंग लूट की ओर। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, पेटीएम अर्निंग लूट में क्या है कि आपको एक छोटा सा मिस कॉल करना है, बस एक छोटा सा मिस कॉल करना है, उसके बदले आपको 10 रुपी का पेटीएम कैश दिया जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो वो नंबर कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं, बस थोड़ा देर आप लोग वेट कीजिए। तो देखिए गाइस, जो नंबर है वो आपको यहाँ पर शो भी कर रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख लो 9211074000। एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 9211074000 ऐसे करके नंबर है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसे नोट पैड में उतार लो या फिर अपने मोबाइल में जाकर जो भी है कीवर्ड वहाँ पर लिख लो, क्योंकि मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से एक दो बार देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल करना है गाइस। ठीक है गाइस, मैं अपने इस डिवाइस से कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि पहले से ही मैं इस डिवाइस में कॉल कर दिया हूं एंड मुझे 10 रुपये का इस डिवाइस में पेटीएम कैश रिसीव हो चुका है। तो मेरा जो दूसरा डिवाइस है उसमें मैं कॉल करके आपको बताता हूं, बस थोड़ा देर आप लोग वेट कीजिए गाइज। तो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर कैमरा खोल लेते हैं, जो भी मेरा सेकेंड डिवाइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा सेकेंड डिवाइस है जिसमें मैं कॉल करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें अपना पेटीएम वॉलेट चेक करा देता हूँ आपको। अभी मेरे पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास अभी कितने रुपये के करीब में पड़ा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लो, थोड़ा देर वेट करो क्योंकि यहाँ अभी लोडिंग हो रही है गाइज। तो देख सकते हो आप लोग, अभी मेरे पेटीएम वॉलेट में अभी 25 रुपये के करीब में है। ठीक है गाइज, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे सबसे पहले कॉल लगाने। तो सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिर से कैमरा को ओपन करते हैं, थोड़ा देर आप वेट कीजिए। एंड गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अपना कीबोर्ड में जो नंबर है, नंबर मैंने लिख लिया है। अभी मेरा सिम 1 से है तो इस पर हम कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे आप कॉल करोगे तो आपके सामने रिंग होगी, ठीक है, और ऑटोमेटिक आपका जो भी कॉल है ये कॉल कट हो जाएगा। और उधर से देखो, कॉल रिसीव आ भी चुका है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कॉल नहीं आता है, थोड़ा देर टाइम लग जाता है, तो हम सबसे पहले रिसीव करते हैं। ऐसे देखिए, हम रिसीव कर चुके हैं एंड देखिए, हमें जो जो भी पूछा जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको 1 क्लिक प्रेस कर देना है। ठीक है गाइज, एंड उसके बाद उम्र 18 साल से ज्यादा है और आपको सिगरेट संबंधित जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो 1 दबाएं। आपको फिर से 1 प्रेस करना है। ठीक है गाइज, उसके बाद के लिए तैयार। तो हमें जरा बताएं, आप कौन से ब्रांड की सिगरेट पीना पसंद करते हैं? प्लेयर के लिए 1 दबाएं, टोटल के लिए 2 दबाएं। आपको फिर से 1 प्रेस करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद एक छोटा सा ऐड आएगा, तो उस ऐड को आपको सबसे पहले यहाँ पर वॉच कर लेना है, मतलब थोड़ा देर सुन लेना है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, तो थोड़ा देर आप लोग वेट करो, जैसे ऐड समाप्त होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, एक और बात कि कभी कभी कॉल थोड़ा लेट कर आती है, तो आप लोग पेशेंस बना के रखना, आप लोग को कॉल आ जाएगा। तो थोड़ा देर वेट कीजिए जब तक यह ऐड चल रही है, तो थोड़ा देर आप लोग वेट कर लीजिए जब तक मैं भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड हमें बताइए आपका फेवरेट टेलर कौन सा है, आईसी ब्लास्ट या कूल ब्लास्ट? अगर आपको सेलार का नया आईसी ब्लास्ट पसंद आया है तो हमें बताएं, सेलार आईसी ब्लास्ट के पैक का कलर क्या है? ब्लैक एंड ब्लू के लिए 1 दबाएं, रेड एंड गोल्ड के लिए 2 दबाएं। आपको यहाँ पर 1 प्रेस कर देना है। ठीक है गाइज, फिर से आपको 1 प्रेस करना है। सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने गलत डाल दिया है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा डालना है, थोड़ा देर आप लोग वेट कर लीजिए। देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर थोड़ा मैं वीडियो बना रहा था जिसके कारण से नर्वस हो गया था। यहाँ पर आपको क्या 1 नहीं क्लिक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने फिर से कॉल किया है एंड यहाँ पर देख लो, फिर से ऐड आया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं, जैसे ऐड कट हो जाती है फिर मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा देर आप लोग वेट कीजिए। एंड यहाँ पर आपके सामने कैसा प्राइस क्या है, तो देखिए गाइज, यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आपको यहाँ पर 2 प्रेस करना है, जैसे कि मैं 2 प्रेस कर दिया हूँ। कांग्रेचुलेशंस, आपका जवाब
एकदम सही है। एंड देख लो गाइस यहाँ पर मेरा जो भी जवाब है ऊपर तो आ चुका है, कंग्रेचुलेशन के ऑप्शन। कूलनेस का राज क्या है? कूल और स्मूथ टेस्ट वाली स्टेला कूल ब्लास्ट, अगर हाँ तो वोट देने के लिए एक दबाए, या फिर एक्स्ट्रा कूल और एक्स्ट्रा स्मूथ वाली नई स्टेला आईसी ब्लास्ट, अगर हाँ तो वोट देने के लिए दो दबाएं। आपको यहाँ पर वन या फिर टू कोई भी प्रेस कर देना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसमें वन ही प्रेस कीजिएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देर वेट कीजिए, क्या अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। और एक रेफरल कोड जो आपको मैसेज द्वारा मिल जाएगा। अब आप सुपर कूल, तो आपके दोस्त भी सुपर कूल होने चाहिए ना, तो जल्दी से रेफरल कोड को अपने तीन दोस्तों को। तो गाइस यहाँ पर फिर से हम ओपन करते हैं एक्स्ट्रा डिजिटल वॉलेट कैश जीतने का। तो हमें बताएं अगर आपके पास है दोस्त द्वारा दिया गया कोई रेफरल कोड, अगर हाँ तो एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपको यहाँ पर टू प्रेस कर देना है, ठीक है गाइस, वन नहीं प्रेस करना है। यहाँ पर टू जैसे आप प्रेस करोगे उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप विनर होंगे तो आपको मैसेज द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपका जो भी कॉल है ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा गाइस। उसके बाद अभी आपको 10 रुपी का पेटीएम कैश प्रोवाइड नहीं किया गया है। कैसे आपको 10 रुपी का पेटीएम कैश प्रोवाइड किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अभी आपको चले जाना है अपने मैसेज बॉक्स में, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड ऊपर में देख लो आपको एक मिलेगा एंड यहाँ पर एक लिंक भी आपको मिलेगा जैसे कि आपके सामने शो कर रहा होगा। इस पर क्लिक करना है एंड मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा देर वेट कीजिए। तो देखिए जी यहाँ पर हमसे ऐसा इंटरफेस आया हुआ है, तो हम नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लो हमसे हमारा नेम पूछा जा रहा है, तो नेम हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख लो मैंने नेम भी फिलअप कर दिया, अभी हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कहेगा एक गेम को प्ले करने के लिए, तो आप लोग लेट्स प्ले पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तीनों में सेलेक्ट करना है, वो क्या सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस जिसमें आपको ए वाला जो इजी है इजी को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मीडियम, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे गेम प्ले करने के लिए कहेगा एक कार वाला, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ जिसके कारण से मैं यहाँ पर कैमरा पर ध्यान से फोकस नहीं सॉरी यहाँ पर जो गेम है उस पर फोकस अच्छा से नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कैमरा पर फोकस कर रहा हूँ जिसके कारण से हो सकता है कि मैं गेम को अच्छा से नहीं प्ले कर पाऊँ, फिर भी मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। देखिए जो बबल्स है इसको आपको कार में गिराना होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लो मैं यहाँ पर कार में गिरा भी रहा हूँ एंड ऊपर में आपको शो कर भी रहा होगा कि हेलीकॉप्टर जो भी है उससे यहाँ पर बबल्स गिर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं जो भी है आपको ऐसे कलेक्ट करना है, ठीक है, अभी नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, एक स्क्रेच कार्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो यू वोन 10 रुपी ऐसा करके आ चुका है, अभी हम इसे टोटल यहाँ पर स्क्रेच करते हैं। एंड स्क्रेच करने के बाद अभी आप लोग देख लो मुझे इंस्टेंट के इंस्टेंट यहाँ पर 10 रुपी का पेटीएम मिल चुका है। गो टू आपको होम पेज पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखो ऊपर में मैसेज भी आ चुका है कंग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव 10 रुपी का वॉलेट कैसे ऐसे करके। तो अभी हम लोग बैक चलेंगे एंड बैक चलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना पेटीएम वॉलेट चेक करा देता हूँ कि मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है या फिर नहीं। तो हम इसको भी एक बार यहाँ से बैक करते हैं, बैक करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंस्टेंट के इंस्टेंट कैश बूम, यहाँ पर इंस्टेंट के इंस्टेंट मुझे 10 रुपी का पेटीएम कैश रिसीव हो चुका है, जो भी यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देख लो ग्रेटिफिकेशन की तरफ से मुझे इंस्टेंट के इंस्टेंट फ्री में पेटीएम कैश रिसीव हो चुका है गाइस। तो गाइस आप लोग ऐसे करके इस ऑफर को ट्राई कर सकते हो जो कि पेटीएम